यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के डिक्टेशन की गति है 90 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। आत्मनिर्भरता केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं, राष्ट्र के लिए भी आवश्यक है। स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक भारत खाद्यान्न के लिए दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर था। इसके कारण इसे कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 60 के दशक में हुई हरित क्रांति के बाद भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना। यह भारत की आत्मनिर्भरता का ही नतीजा रहा कि देश की जनता की खुशहाली में स्वाभाविक तौर पर वृद्धि हुई। पैरा, हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा है, एक राष्ट्र की शक्ति उसकी आत्मनिर्भरता में है, दूसरों से उधार लेकर काम चलाने में नहीं। आत्मनिर्भरता से ही मनुष्य की प्रगति संभव है। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम होता है। बैसाखी के सहारे चलने वाले व्यक्ति की बैसाखी छीन ली जाए तो वह चलने में असमर्थ हो जाता है। ठीक यही स्थिति दूसरों के सहारे जीने वाले लोगों की भी होती है। मनुष्य यदि सिर्फ प्रकृति पर ही निर्भर रहता तो उसने जीवन के हर क्षेत्र में जो प्रगति हासिल की है उसे वह कभी प्राप्त नहीं कर पाता। मनुष्य की आत्मनिर्भरता ने ही उसे पशुओं से अलग किया है। पैरा, हालांकि पशु स्वाभाविक रूप से अधिक आत्मनिर्भर होते हैं, किंतु आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की चाह मनुष्य में अधिक होता है। वह अपने जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए हर प्रकार के साधन जुटाना चाहता है। इसके लिए उसे स्वयं परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ती है। आत्मनिर्भरता की उसकी यही चाह उसकी प्रगति का कारण बनती है। गृहस्थ जीवन से पहले व्यक्ति का आत्मनिर्भर होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरों पर निर्भर लोगों के लिए गृहस्थ जीवन दुखों का पहाड़ साबित होता है। इसलिए गृहस्थ जीवन की शुरुआत से पहले लोग रोजगार की तलाश में जुट जाते हैं। आत्मनिर्भरता आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होती है, जिसके कारण सफलता की राह आसान हो जाती है। पैरा, आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग भली भांति कर पाने में सक्षम होता है। वह समाज में प्रतिष्ठा का पात्र बनता है। यदि कोई महान लेखक बनने का सपना देखता है तो उसे स्वयं लिखना ही पड़ेगा। दूसरों पर निर्भर रहकर वह महान लेखक कदापि नहीं बन सकता। एक वैज्ञानिक स्वयं अपने शोध द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, दूसरों के शोध के आधार पर वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। खिलाड़ियों को जीत का स्वाद चखने के लिए स्वयं खेलना पड़ता है। यदि कोई छात्र अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे स्वयं परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा और परीक्षा में मनोवांछित सफलता प्राप्त करने के लिए उसे स्वयं अध्ययन
करना होगा। इसी प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में उसे ही सफलता मिलती है जो आत्मनिर्भर होता है। भारत पारिजात में लिखा है, जो आत्म शक्ति का अनुसरण करके संघर्ष करता है उसे महान विजय अवश्य मिलती है। भारत में स्त्रियां प्रायः अपने परिजनों पर निर्भर रहा करती है। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं की शुरुआत की गई है। पैरा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में भी इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि इस योजना का कम से कम 33% लाभ महिलाओं को मिले। जब तक भारत परतंत्र था, यह अपने विकास के लिए अंग्रेजों पर निर्भर था। लोग चाहकर भी अपना एवं देश का भला करने में असमर्थ थे। आजादी प्राप्त करने के बाद भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ एवं आज स्थिति यह है कि यह धीरे धीरे दुनिया के विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ है। महापुरुषों के जीवन से भी हमें आत्मनिर्भरता की शिक्षा मिलती है। महात्मा गांधी अपना सामान्य कार्य भी खुद किया करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी देवदेव आलसी पुकारा लिखकर हमें परिश्रमी एवं आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी है। पैरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के इस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि इस बड़े राहत पैकेज में भारत में लोगों को कामकाज करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और यह कोशिश की जाएगी कि अगले कुछ सालों में भारत अपनी जरूरत की अधिकतर चीजों के लिए खुद पर निर्भर हो जाए। इस हिसाब से अभियान का नाम आत्मनिर्भर भारत अभियान रखा गया है। पैरा, जो लोग अपने जीवन को अधिक नियंत्रण में रखना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है, उन लोगों के लिए आत्मनिर्भर होना एक बहुत महत्वपूर्ण योग्यता है। आत्मनिर्भरता आपको दूसरों की परवाह किए बिना जो आप चाहते हैं वो करने की आजादी देगी और अपनी समस्याओं का मूल रूप से समाधान खोजने के लिए आपको प्रेरित भी करेगी। साथ ही अध्ययनों से ज्ञात होता है कि अधिक आत्मनिर्भर लोग खुद को ज्यादा खुश महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लेने के काबिल हो जाते हैं तब ज्यादा राहत और संतुष्टि का अनुभव करते हैं। आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है कि आप अपने काम खुद से करने की आदत डालें, क्योंकि यदि आप अपने छोटे बड़े कामों को खुद ही निपटाने में सक्षम होंगे तो आपको हर बार किसी दूसरे की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे आपको हर बार या प्रत्येक काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। स्टॉप।